तो बहुत सारे लोग को यहाँ पर शिकायत है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो इंस्टॉलमेंट प्रत्येक ईयर 6,000 रुपये आता है, यानी कि इंस्टॉलमेंट की तरह से, तो उन सभी का यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पीएम किसान या का केवाईसी यानी ई केवाईसी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक के माध्यम से तथा सीएससी के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर एक सीएससी का ऑप्शन दिया हुआ था, तो इस सीएससी के माध्यम से यहाँ से पहले यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सीएससी का लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर होम पेज का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर तो सीएससी का काम नहीं कर पाता है, तो अब यहाँ से कैसे केवाईसी होगा? तो देखिए, सीएससी से अब केवाईसी नहीं हो रहा है और आधार कार्ड के माध्यम से केवाईसी हो रहा है, तो आपको कैसे करना होगा? तो देखिए, आपको किसान का पीएम केवाईसी करने के लिए आपको मात्र एक ही तरीका है, जिसमें आपको एक न्यू अपडेट आया है, जिसमें आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको केवाईसी करना है। केवाईसी करने से, उस वाले मेथड करने से क्या मतलब मेरा केवाईसी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप पीएम किसान केवाईसी करवा रहे हो या कर रहे होंगे, तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा और सभी फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं इस वाले वेबसाइट पर चले आया हूँ। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इस वाले वेबसाइट पर चले आइएगा और नीचे आने के बाद एक यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर का केवाईसी के दिया गया है ऑप्शन, यहाँ से आप कर पा रहे हो। तो जिसका यहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी को यहाँ से आप केवाईसी कर पा रहे होंगे। अगर इसमें भी अगर समस्या कोई आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर ये वाला कॉर्नर जो दिया गया है, इसमें एक न्यू अपडेट इसमें जुड़ा हुआ है, एक नया अपडेट आया है। तो नया अपडेट क्या है? तो यहाँ पर एक दिया गया है हेल्प डेस्क का ऑप्शन, तो इस पर आना है आपको। और क्या करना है कि इसको आपको ओपन कर लेना है पहले, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर क्यूरी दिया गया है, नो योर क्यूरी स्टेटस यहाँ पर देखना है। जैसे मान लीजिए पहले ये वाला कर लेंगे तो आपको स्टेटस चेक करने के लिए ये वाला ऑप्शन आपको ओपन करना होगा। तो देखिए, केवाईसी करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ तो आधार कार्ड या अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर, तीनों में से कोई एक डालना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक कर लेना है। तो आप यहां पर जैसे ही डिटेल डालोगे तो यहां पर गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जो भी आपका इंस्टॉलमेंट मिला होगा सारा डिटेल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, जो भी इंस्टॉलमेंट मिला होगा आपको यहाँ पर सभी डिटेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है। अब देखिए, केवाईसी करने का मेन तरीका यहीं से स्टार्ट होता है। आपको केवाईसी कैसे होगा अब, तो यहाँ पर आपको आना है पहले ग्रीवेंस टाइप पर, और यहाँ पर सिलेक्ट ग्रीवेंस में आपको आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, अब यहीं पर आपको बात समझना है कि आपको यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे केवाईसी होगा। देखिए, केवाईसी करने का इसमें आपको यहाँ पर पहले चूज कर लेना है, इसमें अकाउंट नंबर इज नॉट करेक्ट, आपका यहाँ पर पहले इसको पढ़ लेना है। अगर अकाउंट नंबर सही नहीं है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये पेंडिंग अप्रूवल है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुआ तो ये वाला करेंगे। ट्रांसफ़र फेल हुआ तो इस तरह से करेंगे। और अगर आप केवाईसी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम इन ओटीपी बेस ई केवाईसी। जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड के माध्यम से, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसके माध्यम से अगर आप केवाईसी कर रहे हैं, आपका समस्या आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर बायोमेट्रिक से कर रहे हैं या पीएम किसान केवाईसी जो आप सीएससी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से अगर करना चाह रहे हैं, तो आपको ऑप्शन ये वाला चूज करना होगा। तो आप देखिए, आधार से कर रहे हैं या बायोमेट्रिक से कर रहे हैं, तो आप अपने अनुसार चूज करेंगे। सबसे बेटर रहेगा कि आप यहाँ पर प्रॉब्लम इन बायोमेट्रिक बेस ई केवाईसी करेंगे, इस पर क्लिक, और आपको यहाँ पर समस्या लिखना है, जो आपको समस्या आ रहा है। जैसे आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी केवाईसी नहीं हो पा रहा है सीएससी के माध्यम से, तो मैं यहाँ पर सीएससी वाला चूज कर लेता हूँ, यानी प्रॉब्लम इन बायोमेट्रिक बेस ई केवाईसी। यहाँ पर मैं अपना शिकायत दर्ज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर शिकायत दर्ज कर लेता हूँ ये कि मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो पीएम किसान केवाईसी का जो आधार से यहाँ पर दिया गया था जो सीएससी के माध्यम से, तो वो सीएससी का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर सीएससी का ऑप्शन लाया जाए और हमारा यहाँ पर बायोमेट्रिक के द्वारा यहाँ पर केवाईसी करने का, केवाईसी एक्सेप्ट करने का
कृपा करें। तो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है यहाँ पर 500 वर्ड में। इसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ये वाला कैप्चा, इस वालों को इस वाला बॉक्स में टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर लेना है। तो चलिए आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देता हूँ यहाँ से। तो आपको इस तरह से अपना शिकायत यहाँ पर दर्ज कर लेना है, और दर्ज करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पर सबमिट का सेक्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लिखा है प्लीज ओनली अल्फाबेटिकल वैल्यू, यानी कि आपको केवल इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। तो चलिए मैं हिंदी पर इसका मैं इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा सबमिट का सेक्शन नहीं लिया है क्योंकि मैं इंग्लिश में नहीं किया हूँ। मैं यहाँ पर इंग्लिश में टाइप कर चुका हूँ। करने के बाद आपको अगर हिंदी इंग्लिश में नहीं आता हो तो हिंदी में आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद इस तरह से आप यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर लेंगे ऐसे, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर ट्रांसलेट किया हूँ। और ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, सभी पेज को इस तरह से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है ग्रीवेंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि मेरा ग्रीवेंस यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। यहाँ पर ओके करेंगे, और ओके करने के बाद मेरा है यहाँ पर आप देख रहे पा रहे हो कि यहाँ पर सबमिट का जो सेक्शन था यहाँ से हट चुका है। अब मैं अगर स्टेटस चेक करना चाहता हूँ कि मेरा सही डिटेल हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर नो क्यूरी पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो आप क्यूरी अगर डिटेल होगा तो आप यहाँ से कर लेंगे, या तो आधार मोबाइल नंबर किसी से चेक कर लेंगे। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ मोबाइल नंबर से। मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ। इस पर गेट डिटेल पर क्लिक कर लेंगे। गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आज के डेट में यहाँ पर क्यूरी किया हूँ, तो यहाँ पर अभी तक कोई रिमार्क नहीं आया क्योंकि अभी तुरंत मैंने किया हूँ। यहाँ पर आप 24 आवर के यहाँ बाद यहाँ पर फीडबैक चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पीएम किसान का केवाईसी करने के लिए मात्र यही एक तरीका है। यहाँ से आप रिक्वेस्ट लगाइए, और रिक्वेस्ट लगाने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलने के बाद आपका जितना से जितना जितना अधिक से अधिक आप यहाँ पर प्रॉब्लम का यहाँ पर आप रिक्वेस्ट डालेंगे, उतना ही जल्दी यहाँ पर CAC का यानी कि बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए, यानी बायोमेट्रिक से जो फिंगर लगा के जो KYC होता है वो उसका ऑप्शन जल्द ही आएगा। जल्द आने के लिए आपको जितना अधिक से अधिक व्यक्ति हैं सभी लोग इस पर आप क्यूरी करें, यानी कि आप रिक्वेस्ट डालें, यहाँ पर कंप्लेन डालें। यही थी छोटी सी अपडेट। इसी यही एक तरीका है यहाँ पर KYC करने के लिए। तो यहाँ से आपका KYC हुआ नहीं है, आपका KYC करने के लिए अभी आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक करना होगा, तभी आपका KYC हो पाएगा। जैसे आप पहले करते थे KYC उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई KYC अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर केवल रिक्वेस्ट डाला जा रहा था, यहाँ पर जल्द से जल्द ही KYC कर दीजिए, KYC करने का ऑप्शन दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देने के लिए मैं यहाँ पर केवल यहाँ पर इंक्वायरी किया हूँ, यानी कि रिक्वेस्ट डाला हूँ। तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं इसी तरह से, और जितना आप अधिक रिक्वेस्ट डालेंगे उतना ही जल्दी आपका KYC करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा बायोमेट्रिक के माध्यम से। तो यही थी एक छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।